हेलो साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम पिछले क्लास में नाउन देख रहे हैं, नाउन का हम बढ़ रहे हैं आगे, देखते हैं नाउन से रूल नंबर 8 से देखते हैं। पिछला में 8 देख लिए थे, लेकिन फिर से इसको देख लेते हैं। क्या कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्या विशेषण यानी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन को प्लुराइज नहीं किया जाता। जैसे पेयर, क्या बोलें, कुछ नाउन तो अर्थ में प्लुरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन को प्लुराइज नहीं किया जा सकता। जैसे पेयर, सू, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, हंड्रेड, डजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ये नाउन है जो प्लूरल में होते हैं, लेकिन इनके पूर्व किसी निश्चित संख्या जैसे टू पेयर संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो इस नाउन को प्लूराइज नहीं किया जा सकता, इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे आई हैव टू पेयर ऑफ शूज, जैसे आई हैव टू हंड्रेड रुपीज़ ओनली। जैसे सी परचेस थ्री डजन पेंसिल, परचेस भी टू और थ्री डजन पेंसिल। जैसे ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़। तो लेकिन यदि इनके साथ इनडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें प्लुराइज करते हैं। इनडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तो क्या करते हैं, इसको प्लुराइज करते हैं ऐसे। और यदि इनडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग नहीं हो तो वह क्या होता है, प्लुराइज नहीं होता है। आगे साथियों, जैसे देखते हैं, डजन्स ऑफ वुमेन्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, मेनी पेयर्स ऑफ शूज एक्सेट्रा। जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल कम केम मी टू वर टू सी द फेयर, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपी। आगे साथियों, अगला पॉइंट है रूल नंबर 9 में, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा। यानी प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन है वही बाद में है तो दोनों सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे टाउन, आफ्टर प्रीपोजिशन, उसके पहले नाउन टाउन और बाद वाला नाउन दोनों क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। यानी टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेड। अल्लाह रो अपरोड, ठीक उसी तरह प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन रो और बाद वाला रो ऑफ मार्केबल ब्यूटीफुल, यानी दोनों क्या, नॉन सिंगुलर फॉर्म है। इसी तरह अगला, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, दोनों क्या है, सिंगुलर में है। अल्लाह सिप आफ्टर सिप, तो सिप सिंगुलर में है, सिप ये भी सिंगुलर है, आफ्टर के पहले और आफ्टर के बाद। आगे देखते हैं, इस तरह के वाक्य में टाउन आफ्टर टाउन, रोज अपॉन रोज, डोर आउट टू डोर या सिप्स आफ्टर टीम लिखना गलत है। यानी इसको एस कर दीजिएगा, टाउन्स टाउन की जगह पर टाउन्स कर दीजिएगा पहले और बाद में, तो ये गलत हो जाएगा रूल के अनुसार। आगे साथियों, रूल नंबर 10 में कॉमन जेंडर नाउन, जैसे टीचर्स हुआ, टीचर को कहने से बहुत सारे बहुत हुआ, मेल फीमेल हो सकता है, स्टूडेंट में गर्ल बॉय दोनों हो सकता है, चाइल्ड कोई भी बच्चा, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन एक्सेट्रा, ऐसे नाउन है जिनका प्रयोग मेल एवं फीमेल दोनों के लिए किया जाता है। इन्हें ड्यूल जेंडर भी कहा जाता है। जब हम इस तरह का नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो यह समानता ही हिज हिम का प्रयोग करते हैं। जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो हिज या मेल के फॉर्म में यूज हुआ। अरे टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली, हिज मेल के फॉर्म में यूज हुआ। यह विवाद का विषय है कि मस्कुलिन जेंडर ही हिज एक्सेट्रा का ही प्रयोग करें। इस संबंध में मैटर्स या मतलब कि जो जेंडर स्पष्ट नहीं होगा इसीलिए बताया। आगे देखते हैं, बर्ड डिनोटिंग ग्रुप, जैसे बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, ए बेबी ऑफ गर्ल्स, वुमेन, ऑफिसर एक्सेट्रा होता है, अलग बंच ऑफ ग्रेप्स एक्सेट्रा, बंच होता है बंड, ये याद रखिएगा, बंडल ऑफ स्टिक्स एंड हे, अलग क्रैवन ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रिमेज या ट्रैवल, अलग चेन या रेंज ऑफ माउंटेन और हिल्स, अगला कोयर ऑफ सिंगर्स होता है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स लगते हैं, अगला रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स या अटेंडेंट्स, अलग क्लम्प या ग्रोव ऑफ ट्रीज, कॉर्ड ऑफ लॉस कॉर्ड होता है, क्लस्टर या कंस्टलेशन या गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अलग कंपनी या रेजिमेंट या आर्मी ऑफ सोल्जियर, अलग कन्वॉय ऑफ सी कार एक्सेट्रा मूविंग अंडर एन स्कॉट, अलग कोर्स और सीरीज ऑफ लेक्चर, अलग क्री ऑफ सेलर्स,
लाइक क्राउड या मॉब ऑफ पीपल। आगे साथियों, एक कैरिकुलम ऑफ स्टडीज, स्टडीज का कैरिकुलम होता है, कैरिकुलम बोलते हैं। ए फ्लाइट ऑफ स्टेप्स या स्टेयर्स। लाइक फ्लीट ऑफ शिप्स ऑफ मोटर्स और मोटर कार्स। लाइक फ्लॉक ऑफ गीस शिप्स एंड बर्ड्स। लाइक गैंग ऑफ रोवर्स लेवर। लाइक गार्लैंड या बंच या वॉकेट ऑफ फ्लावर्स। लाइक हीप ऑफ रुइंस सैंड स्टोन्स। लाइक हर्ड ऑफ कैटल। लाइक एलिटर ऑफ पपीस। लाइक पैप ऑफ हॉर्न्स या कॉर्ड्स। पेयर ऑफ शूज सीसर्स या ट्राउजर्स। अगला सीरीज ऑफ इवेंट। अगला शेप ऑफ कॉर्न या एरोस। लाइक स्वार्म ऑफ एंट्स बीज और फ्लाइज। लाइक ट्रेन ऑफ कैरिएज फॉलोवर्स एक्सेट्रा। अगला ट्रूप ऑफ हॉर्सेस कैवेलरी बोलते हैं, स्कॉट्स एक्सेट्रा। अगला वॉली ऑफ शॉर्ट्स बुलेट्स। अगला फोरम ऑफ पीपल डिस्करेजिंग इशू। अगला कॉन्ग्रेसेशन ऑफ पीपल डिस्कसिंग रिलीजियस इशू। तो ये सारे के साथ जो बर्ड यूज होता है, जो हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में देखें, बर्ड डिनोटिंग ग्रुप, ये बस ध्यान रखिएगा, काम देगा आपको क्वेश्चन बनाने में। अगला जेंडर, जेंडर पढ़ रहे हैं, न्यू नॉन जेंडर। जेंडर को चार भाग में विभाजित किया गया। पहला मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर को हिंदी में पढ़े होंगे पुलिंग, यानी ऐसी नॉन जो मेल सेक्स को व्यक्त करता है उसको क्या कहते हैं, मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। जैसे बोले टाइगर, पावर, वॉयलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर एक्सेट्रा, ये सारे क्या मैस्कुलिन जेंडर का होता है, क्योंकि ये मेल को डिनोट कर रहा है। अलग फेमिनिन जेंडर जिसको स्त्रीलिंग बोलते हैं, ऐसे नॉन जो फीमेल सेक्स को व्यक्त करता है फेमिनिन जेंडर के अंदर आता है। जैसे बोले टाइग्रेस, वुमेन, लाइनेस, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ, गोडेस एक्सेट्रा, ये सारे क्या फेमिनिन जेंडर के अंदर आ गए। आगे साथ कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वाइलिंग बोलते हैं, ऐसे जेंडर जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड से पता नहीं कि बच्चा या बच्ची हो गया, बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, कसिन, इन्फेंट, थीफ, नेवर, ये सारे क्या है न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल सॉरी कॉमन जेंडर के अंदर रखा था। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अलग से तो न्यूट्रल जेंडर जिसको बोलते हैं नपुंसक लिंग, ऐसे नॉन जो निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं, न मेल है और न ही फीमेल है, न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। जैसे कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स, ये सारे क्या न्यूट्रल जेंडर है। आगे साथियों, रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलिन नॉन टू फेमिन। नॉन जैसे कोई मैस्कुलिन नॉन है इसको फेमिन में कैसे बदलेंगे, बहुत सारा रूल होगा, कुछ रूल को देखते हैं। कुछ केस में मैस्कुलिन नॉन के बाद ई डबल एस लगाने से फेमिन नॉन बनाया जा सकता है। जैसे लिखता है ऑदर मैस्कुलिन है, ऑदर का लेखक होता है इसका फेमिन ऑदरेसेस। होस्ट, होस्ट मेजबान करना, इसका इसके फैमिली बनाने के लिए एच ओ एस टी ई डबल एस लगाती है। उसी तरह ऑदर में भी क्या लगाते हैं, ऑदर में ई डबल एस। लाइक जीओ, जीओ एस में के जीओ एस को फैमिली बनाने के जे ई डब्ल्यू ई डब्ल एस लगाएं। अला मेयर, मेयर को फैमिली बनाने के लिए क्या क्या मेयर एम ए वाई ओ आर था उसको मैं ई डब्ल एस लगा दी, उससे फेमियर बन गया। पोएट को भी पी ओ ई टी पोएट का भी होता है, उसको जो फैमिली बनाने के लिए क्या क्या पोएट को मैं ई डब्ल एस लगा दी। ट्विटर में भी ई डब्ल एस लगा दी। सेपर्ड मतलब गड़ेड़िया, गड़ेड़िया में भी ई डब्ल एस लगा दी। जॉइंट में भी ई डबल एस, हायर मतलब उत्तराधिकारी उसमें भी ई डबल एस लगाएं। लाइन में भी ई डबल एस, प्रिस्ट मतलब पुजारी, प्रिस्ट में भी ई डबल एस। टीलर दर्जी मतलब ई डबल एस लगा दिए। रूल वन था, अब रूल दो देखते हैं। कुछ केसेस में मैस्कुलिन नॉन के अंतिम वॉवेल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट क्या है। कुछ नॉन में मैस्कुलिन के अंतिम वॉवेल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ई डबल एस लगाते हैं। यहाँ क्या था, ई डबल एस। कुछ केस में मैस्कुलिन नॉन के बाद ई डबल एस लगाने से फैमिली बन जाता, लेकिन यहाँ वाला जो पॉइंट है वह है कुछ केस में मैस्कुलिन नॉन के अंतिम वॉवेल, जो अंतिम वॉवेल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ई डबल एस लगाते हैं। जैसे यहाँ ए सी टी ओ आर था तो ए सी टी ओ ए सी टी आर ई डबल एस हो गया, आर ई डबल एस। यानी यहाँ पर क्या हुआ, वॉवेल यहाँ ओ था, कॉन्सोनेंट था, उसको हटा कर क्या किया ई डबल एस लगा दी, ए सी टी आर।
आगे देखिए बेनिफैक्टर, तो बी ई एन ई एफ एस सी टी ओ आर टी ओ क्या यहाँ पर ओ वोवेल है, ए आई ओ यू वोवेल होता है, तो बेनिफैक्टर मतलब क्या हुआ, कुछ केस में मस्कुलिन नाउन के अंतिम अंतिम वोवेल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ई डबल एस जोड़ने से फेमिन नाउन बन जाता है। तो यहाँ बेनिफैक्टर्स एफ ए सी टी ओ को हटाएं, ओ क्या यहाँ ओ यहाँ वोवेल था तो ओ को हटा के क्या किए और जो कॉन्सोनेंट है उसको ले लाए हैं, उसके बाद ई डबल एस लगा दिए, यानी वोवेल को हटा कर वोवेल को हटा दीजिए एच यू एन टी ई आर, ई क्या यहाँ वोवेल है और लास्ट बोला क्या कॉन्सोनेंट है, तो वोवेल को हटा कर और लास्ट में ई डबल एस जोड़ दीजिएगा एच यू एन टी आर ई डबल एस, आर को लेकिन जो कॉन्सोनेंट है उसको लेते आएगा साथ में, यहाँ नहीं कि कॉन्सोनेंट को भी हटा दीजिएगा, नहीं यहाँ पर क्या है कॉन्सोनेंट जैसे वोवेल एवं उसके पहले आने वाला कॉन्सोनेंट को हटाकर, कॉन्सोनेंट को हटाकर तो यहाँ वोवेल को हटाकर जैसे पी आर आई एन सी ए, तो पी आर आई एन सी ई डबल एस हो गया, ई डबल एस हो गया वोवेल हो गया उसको। अगला वेटर, वेटर डब्ल्यू आई टी ई डब्ल्यू आई टी, तो यहाँ क्या है ई के बाद पहले वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट आएगा तब होगा, इसमें क्या था वोवेल था लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं था इसलिए इसको वोवेल को नहीं हटाएं, यहाँ क्या वोवेल है उसके बाद कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर वोवेल को हटा दिए डब्ल्यू आई टी आर ई डब्ल एस, ये फैक्ट बन रहा है। अगला देखिएगा एम्बेसडोर, तो देखिए यहाँ पर वोवेल लास्ट में क्या है कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल है, तो यदि लास्ट में यदि कॉन्सोनेंट सॉरी लास्ट में यदि कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल है तब जाकर वोवेल को हटाइएगा। तो इसी तरह देखिए ए एम बी ए डबल एस ए डी वोवेल को हटा दिए आर बाल ले लाएँ कॉन्सोनेंट का, फिर उसके बाद ई डबल एस लगा दिए, लेकिन यहाँ पर देखिए एच यू ए पी आर आई एन सी ई में लास्ट में कॉन्सोनेंट नहीं था इसीलिए इसको ठीक उसी तरह लिखें, ये ध्यान रखें। अगला डायरेक्टर, डायरेक्टर को मिस फेमिन बनाने के लिए क्या क्या लास्ट में क्या है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल है तो डी आई सी टी आर टी ओ वोवेल को हटा दीजिए फिर आर ई डबल एस हो जाएगा। अगला नेरगो, नेरगो मतलब फिर यहाँ पर देखिए वोवेल लास्ट में आ गया तो इसको एन यहाँ पर क्या है वोवेल आ गया तो एन ई जी आर ई डबल एस वोवेल को हटा दीजिए फिर कॉन्सोनेंट लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या था ठीक उसी तरह ऐसे ही लिखा था और सॉरी यहाँ पर भी हटाया था ई को, तो वोवेल को हटा देना एन ई जी आर ई डबल एस बस वोवेल को हटा देना। अगला में क्या टी आई जी ई आर तो टी आई जी वोवेल को हटा दीजिए फिर कॉन्सोनेंट के साथ बना लीजिएगा टी आई जी आर ई डबल एस। आगे देखते हैं कुछ केस में मस्कुलिन नाउन को शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है और अंत में ई डबल एस लगाने के बाद फेमिनिन बन जाता, जैसे देखते हैं एम्परर, एम्परर मतलब राजा हुआ तो ई एम एम्परर कैसे बना ई एम पी ई आर ओ आर, तो फेमिनिन में कैसे बना ई एम पी आर आर ई डबल एस ई एम पी आर ई डबल एस ई एम पी आर ई डबल एस आर रहने दिए ई वोवेल को हटाकर ई डबल एस लगा दिए। अगला गवर्नर जी ओ वी ई आर वोवेल को हटा दीजिए ई जी ओ वी आर एन ई डबल एस, याद रखिएगा कि गवर्नर को गवर्नर से ऐसे बनाते हैं। अगला ड्यूक, तो ड्यूक के डचेस हो जाएगा, ये बल कुछ पॉइंट है जो ये इसको याद रख लीजिएगा, डचेस होता है फैमिली में डी यू सी एच ई डबल एस, गॉड का गोडेस, मास्टर का मिस्ट्रेस एम आई एस टी आर ई डबल एस। अगला सॉर्सर का सॉर्सर एस ओ आर सी ई आर आर ई डबल एस आर ई डबल एस। आगे कुछ नॉन में कंपाउंड मस्कुलिन नॉन को फर्स्ट अथवा सेकंड आगे है कुछ केस में कंपाउंड मस्कुलिन नॉन के फर्स्ट अथवा सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे मैन सर्वेंट, तो इसका फेमिन बनाने के लिए मैन को मेड कर दिए सर्वेंट को रहने दिए। अगला वाशरमैन, तो वाशरमैन को फेमिनिन बनाने के लिए वाशर वुमेन कर दिए, मैन यहाँ था तो यहाँ वुमेन हो गए। अगला बक रैबिट, तो यहाँ डोए रैबिट हो गया, बक को ओपो फेमिन क्या हो गया था डक हो जाता। अगला ब्रदर इन लो, तो ब्रदर का फेमिनिन सिस्टर इन लो। अगला ही बियर तो सी बियर हो जाएगा। अगला बुल बुल कल्फ, तो यहाँ अगला हो जाएगा काउ कल्फ। अगला जैक एस, तो जेनी है जैक एस का अगला क्या होगा जेनी एस। अगला हेड मास्टर को हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर में को हेड मिस्ट्रेस,
MISTRES। अगला मिल्कमैन को मिल्कमेड कर देंगे। अगला पोस्ट मास्टर को पोस्ट मिस्ट्रेस। अगला पीकॉक को पीहेन में चेंज कर दिए। अगला लैंडलॉर्ड को लैंडलेडी। अगला फादर इन लॉ के मदर इन लॉ। अगला स्टेप फादर को स्टेप मदर। अगला ही गोट के सी गोट। कॉक स्पैरो के हेन स्पैरो में लगे हैं, कॉक स्पैरो को हेन स्पैरो में। अगला डॉग वुल्फ को विच वुल्फ। अगला स्टेप ब्रदर को स्टेप सिस्टर। ग्रैंडसन को ग्रैंड डॉक्टर में। अगर रूल फाइव देखते हैं, फॉरेन वर्ड एवं अनविविध शब्दों के मैस्कुलिन एवं फेमिनिन जेंडर नीचे दिए गए हैं, इनको किसी विशेष नियम के तहत परिवर्तन नहीं किया जाता। फॉरेन वाला है जैसे एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRATORS एडमिनिस्ट्रेक्स। अगला एक्सक्यूटर को कार्यान्वित करने वाला को एक्सक्यूट्रिक्स EXECUTRIX। लैड को लेस। ये फोरिंज वाले कुछ हैं जिसको हम इस तरह चेंज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। अगला एक्सक्यूटर को एक्सक्यूट्रिक्स। अगला लैड को लैस लिखें। आगे देखते हैं प्रोसिक्यूटर को क्या करें, प्रोसिट्रिक्स करें, PROSCUTRIX। अगला सुल्तान को सुल्ताना। बी और बोर को बैनलासुर को सौ किए। ब्रदर को सिस्टर। कोल्ट बछड़ा को फिल्ली। डॉग को बीच करते हैं। बक को मिरिक को डोय। अर्ल को काउंटेंस UNTWS। अलग क्या मोंग को नल करते हैं। गैंडर गंडहंस को गूस। अगला हार्ट हिरन को रोय। अगला हॉर्स को मेयर MAYR मेयर। किंग को क्यून। मैन को फेमिन में वुमेन। मिस्टर को मिसेस फैमिली मैस्कुलिन से फैमिली बना रहे हैं। सीप को EWU। सन को डॉक्टर। अंकल को आंट। फॉक्स को विक्सेन। ऑक्स को काउ। आगे देखते हैं, आगे बहुत सा वर्ड है। कैजार CZAR कैजार को कैजारियनिया। हीरो को हीरोइन। अगला टेस्टार्टर को बसियतकर्ता को टेस्टार्ट्रिक्स। बैचलर को मेज। बॉय को गर्ल। कॉक को हेन। ड्रेक बत्तख को डक। ड्रोन नर मक्खी को बी। अगला बुल को काउ। फादर को मदर। अगला ब्राइड ग्रूम को ब्राइड। जेंटलमैन को लेडी। ही को सी। हस्बैंड को वाइफ। हस्बैंड को क्या कहें, वाइफ। लॉर्ड का लेडी। मेल को फीमेल। नेफ्यू भतीजा नाइस। सर मैडम डैम। बिडोर का बिडो बिदोर। बिजगार जादूगर बिच। आगे देखते हैं साथियों, नॉन नंबर सिंगुलर प्लूरल को बारे में देखते हैं। सिंगुलर नॉन में जिसमें एक व्यक्ति एक स्थान एक वस्तु का बोध होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर नॉन। जैसे बॉय करने से एक लड़का का बोध हुआ। गर्ल करने से एक लड़की का बोध हुआ। टेबल एक मेज का बात हुआ। प्लूरल इसमें एक से अधिक व्यक्ति स्थान या वस्तुओं का बोध होता है। जैसे सिटीज बोलें तो बहुत सारे शहरों की बात हुआ। बॉयस मतलब बहुत सारे बॉयस को। और गर्ल्स बोलें तो बहुत सारे गर्ल्स के बारे में बात हुआ। अगला चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल सम रूल्स है। सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे कुछ नाउन के अंत में एस लगाने से वह प्लूरल बन जाता है। जैसे मैं बोलें बॉय गर्ल काय टेलीफोन। इसके साथ यदि एस लगा दें बॉय के साथ एस लगा दें तो बॉयज यानी एक बॉय से अनेक बॉयस हो गए, बहुत सारे लड़के हो गए। गर्ल थी वही एक लड़की से बहुत सारे लड़के हो गए। काइट एक पतंग से बहुत सारे पतंग हुए। टेलीफोन एक टेलीफोन से बहुत सारे टेलीफोन हो गए। उसी तरह दूसरा रूल है कि जिन नाउन के अंत में एस डबल एस सी एच एस एच जेड या एक्स आता है उनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ दिया जाता है। जैसे बस लास्ट में एस है तो इसके साथ ई एस जोड़ दीजिए तो बस एस प्लूरल बन जाएगा। वॉच सी एच है लास्ट में तो इसके साथ ई एस जोड़ दीजिएगा। मतलब एस लास्ट में एस रहे या डबल एस रहे या सी एच रहे या एस एच रहे या जेड रहे या एस रहे इसके साथ प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में ई एस जोड़ दिया जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण था बस लास्ट में एस है तो इसके लिए ई एस जोड़ दिया बसेस।
बच सी एच है तो बचेस ई एस लगा दिए, एक्स तो एक्सेस कर दिए, फिक्स एस लास्ट में एक्स है तो फिक्सेस, चर सी एच है तो लास्ट में चर्चेस, फॉक्स है तो लास्ट में ई एक्स फॉक्सेस, स्विच तो स्विचेस, कैनवास तो कैनवासेस, क्लास तो क्लासेस, क्यूज तो क्यूजेस। आगे देखते हैं, टैक्स तो टैक्सेस, बॉक्स तो बॉक्सेस, ए से लास्ट में देखिएगा एस ई एस या एस सी एच या सी एच या एस एच जेड या एस रहेगा। अगला क्या है, डिस तो डिसेस, एस एच है, कॉज सी एच तो सी एच ई एस। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे स्टोमैच, स्टोमैच को स्टोमोचेस नहीं होता है, इसमें एस लगता है क्योंकि सी एच लास्ट में, फिर भी क्या हम इसको ई एस जोड़ कर नहीं बनाते हैं। अब उसी तरह लोकस, लोकस को लोकी करते हैं, एल ओ सी आई इसको याद रखें, रेडियस को रेडी आई करते हैं, और आर ए डी डबल आई, ऑक्स का ऑक्सीजन। आगे रूल देखते हैं, कुछ नॉन के अंत में ओ आता है एवं उसके पूर्व कोई व्यंजन, मतलब कोई यदि कोई नॉन है उसके अंत में ओ आता है एवं उसके पूर्व क्या, मतलब पहले व्यंजन आता है, कॉन्सोनेंट आता है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नॉन के अंत में क्या करते हैं, ई एस लगाते हैं। जैसे हीरो, हीरो यहाँ पर लास्ट में क्या आया, ओ आता है और उसके पहले व्यंजन आता है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए एच ओ एच ई आर ओ ई एस लगाते हैं। मॉस्किटो लास्ट में ओ है तो मॉस्किटोस, कार्गो तो लास्ट में ओ है तो उसके उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाते हैं, कार्गोस, पोटैटो तो पोटैटोस, मैंगो तो मैंगोस, इको तो इकोस। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे बोलें डायनमो तो डायनमो को डायनमोस नहीं कर सकते, ई एस नहीं लगा सकते, यहाँ सिबल एस लगाइएगा। रेशियो को रेशियोस, सोलो का सोलोस, मोमेंटो मोमेंटो का मोमेंटोस, एस लगा रहे हैं, ई एस नहीं लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पियानो का पियानोस, फोटो का फोटोस, एस लगा रहे हैं खाली, ये कुछ एक्सेप्शन था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है, यदि किसी नॉन के अंतर्गत में डबल वर्ब्स लगे हुए हैं हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में एस लगा दिया जाता है, यानी किसी नॉन के अंत में डबल वर्ब लगा है, जैसे बी, उदाहरण देखते हैं, बी डबल वर्ब है, बी एस लगा दिया उसमें, जू तो इसको प्लूरल बनाने के लिए जूस, बॉय डबल वर्ब लगा है तो डब्ल्यू एस बॉयस, ट्री डबल वर्ब है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा दें, ट्री टी आर डबल एस ट्रीस, रेडियो रेडियोस, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियोस। आगे साथियों, यदि नॉन के अंत में बाई आए एवं बाई से पूर्व कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट आता है तो बाई की जगह आई एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। कहने का सेंस है कि बाई, यदि कोई नॉन में बाई के पहले क्या है, बाई के पूर्व कोई कॉन्सोनेंट आए तो उसको बनाने के लिए बाई को हटाकर आई एस लगा दीजिएगा। जैसे सी आर आई कराई, कराई लास्ट में क्या है तो बाई है, बाई के पूर्व क्या है तो कॉन्सोनेंट है, तो इसको बनाने के लिए प्लूरल बाई को हटाइए और आई एस लगा दीजिए, क्राइस हो जाएगा, सी आर आई एस क्राई। उसी तरह फैमिली, फैमिली लास्ट में क्या है तो बाई है, बाई के पहले क्या है पूर्व में, तो बाई के पूर्व क्या है तो यहाँ व्यंजन है तो व्यंजन, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, बाई को हटाकर आई एस लगा दिए, यानी फैमिलीज। सिटी सिटीज, ठीक उसी तरह लॉरी तो लॉरीज। अगला है कंट्री, लास्ट में क्या है वाई है, उसके पूर्व क्या है तो उसके पूर्व क्या है कॉन्सोनेंट है, तो इसको बनाने के लिए बाई को हटाकर आई एस लगाते हैं, तो कंट्री कंट्रीज, पोनी पोनीस, डिक्शनरी डिक्शनरीज, रिप्लाई तो रिप्लाइज। आगे देखते हैं साथियों, यदि नॉन के अंत में बाई आए और बाई से पूर्व कोई वोवेल आता है, पिछला में क्या था कि बाई से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसको हम लगाते थे कैसे, आई एस बनाकर लगाते थे, आई एस लगाकर हम प्लूरल बनाते थे। लेकिन यहाँ का जो केस है कि कोई नॉन है जिसके अंत में बाई है लेकिन उसके पहले क्या है वोवेल आए, तो इसका जो प्लूरल बनाने का जो केस है वह एस है, और उसमें क्या था आई एस था, तो जैसे की बाई लास्ट में उसके पूर्व क्या है तो इसके पैर भावेल है, तो इसका जो प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, के वाई एस कीस, रे को रेस, बे को बेस, टोई को टोइस, डंकी को डंकीस, मंकी को मंकीस, वैली को वैलीस, स्टोरी लास्ट में बाई उसके पूर्व भावेल तो इसको स्टोरीज लिखेंगे। आगे देखते हैं, इसको पढ़िएगा बस समझ जाएगा, कोई बड़ा अथी नहीं है, बस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि नॉन के अंत में एफ या एफ ई आए तो प्लूरल बनाने के लिए एफ एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाते हैं, यदि नॉन के अंत में एफ या एफ ई आए तो उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, वी ई एस लगाते हैं। जैसे काल्फ, काल्फ में एफ आया तो इसको प्लूरल बनाने के लिए सी एल वी ई एस ई एस लगा दें। वाइफ डब्ल्यू आई वी ई एस वाइफ, डब्ल्यू एल एफ बुल्फ है तो डब्ल्यू एल वी एस बोल, लिव को एल ई ए वी एस लिव्स, सेल्फ को एस एच ई एल वी एस सेल्फ,
आपको एच एल वी एस हार्स थिप को टी एच आई ई वी एस थिप्स लाइफ को लाइफ्स एल आई वी एस लाइफ्स नाइफ को नाइफ्स के एन आई वी एस नाइफ्स लोफ को लोब्स एल ओ ए वी एस लोब्स। आगे देखते हैं इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, इसका कुछ एक्सेप्शन है जैसे बिलीफ को बी एल आई बी एल आई लास्ट में क्या था यहाँ पर आई या ई एफ रहे आई या एफ या एफ ही रहे एफ या एफ ही रहे एफ या एफ ही रहे। यहाँ देखिए कुछ एक्सेप्शन है एफ है लास्ट में लेकिन बिलीफ्स को बिलीफ्स होता है बी एल आई एफ एस लगाएं खाली। क्लिफ को क्लिप्स लिखें सी एल आई डब्ल एफ एस क्लिप्स। यहाँ क्या था हाफ को एच वी एस लगाते थे लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन है। क्लिप को क्लिप्स याद रखिएगा ग्रीफ को ग्रीप्स प्रूफ को प्रूफ सेफ को सेफ्स टर्फ को टर्फ्स चीफ को चिप्स ड्रॉफ को ड्रॉप्स गल्फ को गल्फ्स रूफ को रूप्स स्कार्प को स्कार्प्स ब्रीफ को ब्रीफ्स। ये कुछ एक्सेप्शन था लास्ट में एफ रहते हुए वेर में भी एस नहीं लगा रहा। अलग कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द के साथ एस लगाने पर उसका प्लूरल बन जाता है जैसे ब्रदर इन लॉ तो ब्रदर्स में लगेगा तो बन जाएगा प्लूरल। ये एरर वाले पार्ट में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम ऐसे एक क्वेश्चन बनाए थे आपको भी देख आप भी देख सकते हैं बहुत सब मिलेगा। बेडरूम बेडरूम को बेडरूम्स होता है कमांडर कमांडर इन चीफ को कमांडर्स इन चीफ होता है स्टेप डॉक्टर को स्टेप में नहीं लगता प्लूरल डॉक्टर्स में लगता है मेड सर्वेंट को मेड सर्वेंट्स में लगता है पीहन को पीहेंस में लगेगा तब प्लूरल बनेगा पिकॉक को पिकॉक्स में लगेगा मदर इन लॉ में मदर्स में लगेगा सिस्टर इन लॉ में सिस्टर्स में लगेगा मेंबर्स ऑफ तो मेंबर्स मेंबर्स में लगेगा पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट पी ए आर एल आई ए एम ई एन टी पार्लियामेंट ही है। अल्लाह मैन हीटर तो मैन हीटर्स हो जाएगा अल्लाह वुमेन लवर तो वुमेन लवर्स हो जाएगा एस लगेगा लवर्स में अगला मैन लवर तो मैन लवर्स लवर्स में एस लगेगा। आगे एक निम्न नॉन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वोवेल में परिवर्तन करते हैं जैसे मैन तो मेन इनसाइड वोवेल परिवर्तन फूट फीट माउस माइस गोस गेस वुमेन वुमेन तीत तूत तीत लॉस लाइस वासिस तो वासिस वासिस। आगे देखते हैं रूल नंबर 9 निम्नलिखित नॉन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए ई एन जोड़ते हैं जैसे चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन ऑक्स ऑक्सन। रूल 11 है कुछ नॉन को दो तरह से प्लूरल बनाते हैं जिनका अर्थ भी अलग होता है जैसे ब्रदर ब्रदर्स बोलें तो सन ऑफ द सेम पेरेंट और ब्रेदरन बोलें बी आर ए टी एच आर ई एन तो मेम्बर ऑफ ए सोसाइटी कम्युनिटी और ए रिलीजियस ग्रुप ब्रेदरन। अगला क्लॉथ क्लॉथ को देखिए क्लॉथ सी एल ओ टी एच एस बोले तो इसका मतलब होता है अन स्टिच क्लॉथ और सी एल ओ टी एच एस क्लॉथ से मतलब स्टिच क्लॉथ गारमेंट जो स्टिच करा हुआ सिलाई किया हुआ ये ध्यान रखिएगा। डाई डाई को दूसरे सेंस में लिखें यदि डाई को डाइस बोलें तो इसका मतलब स्टैम्प यूज फॉर पेंटिंग एंड कॉइनिंग और डी आई सी डाइस होता है तो स्मॉल क्यूब यूज इन गेम उसको डाइस बोलते हैं। अले इंडेक्स तो इंडेक्स को दो तरह से इंडेक्सेस बोले तो टेबल ऑफ कंटेंट इन ए बुक अला जैसे टेबल होता है वो अगर बुक के में इंडेक्स होता ना है उसी के बारे में जहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रोजेक्ट बनाते होंगे तो इंडेक्स में लिखते होंगे भरते होंगे। अगला इंडिसेस तो इंडिसेस मतलब साइन यूज इन अलजेब्रा। अगला सम टिपिकल प्लूरल नॉन लैटिन लैटिन बर्ड लैटिन के कुछ शब्द जिनके अंत में यू एम आता है एक वचन होते हैं इनको प्लूरल के लिए यू एम हटाकर ए लगाया जाता है जैसे डॉटम डॉटम क्या है सिंगुलर है लैटिन वाला वर्ड है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए डाटा ओहम तो इसको ओवा एजेंडम तो एजेंडा डिक्टम तो डिक्टा मेमोरेंडम तो मेमोरेंडा स्ट्रेटम तो स्ट्रेटा। आगे देखते हैं लैटिन लैटिन के निम्न शब्दों को ध्यान दें इन शब्दों के पीछे यू एम आता है लेकिन इसके प्लूरल बनाने तो एस पीछे एस लगाया जाता है। पहले में क्या था यू एम लगाते थे लेकिन क्या करते थे ये इसको में ए से रिप्लेस करते थे यू एम को ए से रिप्लेस करते थे लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरा है जैसे असाइलम तो साइलम्स एस लगा दिए म्यूजियम म्यूजियम तो म्यूजियम्स एस लगा दिए लास्ट में प्रीमियम तो प्रीमियम्स लास्ट में एस लगा दिए फोरम तो फोरम्स लास्ट में एस लगा दिए पेंडुलम तो पेंडुलम्स लास्ट में एस लगा दिए।
लैटिन अगला है कि लैटिन वर्ड के अंत में यूएस आता है, इसका प्लूरल यूएस को आई में बदल कर बनाया जाता है। देखिए यूएस आया लेकिन इसको बदल कर यहाँ पर क्या था, यूएम था, लेकिन हम इसको ए में नहीं बदले, बस डायरेक्ट एस लगा कर बनाए। यहाँ पर क्या था, यूएस आता है लेकिन इसको प्लूरल आई को में बदल कर बनाते हैं। अगला सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल, तो रेडियाई रेडियस तो रेडियाई, सिंगुलर रेडियस तो इसको प्लूरल रेडियाई, सिलेबस तो सिलेबी प्लूरल। कुछ ग्रीक शब्द के अंत में इस आता है और इनका प्लूरल इस को आई एस में बदल कर बनाया जाता है, ग्रीक वाला शब्द है, जैसे एनालिसिस तो एनालिसिस, आई एस को मतलब क्राइसिस, आई एस को बदल कर क्या करें, क्राइसिस सी आर आई एस सी एस। अगला हाइपोथेसिस, आई एस को बदल कर क्या करें, हाइपोथेसिस। अगला बेसिस को बेसिस, थेसिस को थेसिस, ग्रीक वाले शब्द हैं। कुछ ग्रीक शब्द के अंत में ओ एन आता है और इनका प्लूरल ओ एन को ए एन में बदलने के से बनता है, जैसे फेनोमेनन, तो फेनोमेना पी एच ई एन ओ एम ई एन ए फेनोमेनन, ओ एन को ए एन में बदलने। क्राइटेरियन तो क्राइटेरिया, ये याद रखिएगा। अनकोइनॉन के प्लूरल निम्न प्रकार बनते हैं सिमिलर, जैसे ईफ को ईप्स, फाइव को तो फाइव एस, बी ए को बी एस, बट को बर्ड्स, टेन को टेनिस, एम ए को एम एस, आई को आई पोस्ट ऑफिस एस, पी को पोस्ट ऑफिस है, ए टी एम को ए टी एम्स, टी को पोस्ट ऑफिस एस के साथ, एम पी को एम पी एस, यू पी सी को यू पी पोस्ट ऑफिस ना पोस्ट ऑफिस नहीं सी एस। आगे देखते हैं, कुछ नाउन के सिंगुलर एवं प्लूरल फॉर्म के अर्थ पूर्णतः अलग होते हैं और इनका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। जैसे सिंगुलर में लिखें एयर, एयर मतलब हवा होता है, इसका प्लूरल बनाने के लिए ए आई आर एस, एयर्स लिख दें, इसका अर्थ होता है दिखावटी व्यवहार। अगला रिटर्न, रिटर्न मतलब वापसी, उसी में रिटर्न में ही एस लगा दिए तो इसका होता है आय का हिसाब। अगला आयरन, आयरन मतलब जानते होंगे लोहा सुने होंगे, लेकिन एस लगा दिए तो इसका मतलब होता है जंजीर। अगला है सैंड, सैंड का मतलब क्या होता है, रेत, लेकिन उसमें एस लगा दिए तो इसका अर्थ होता है रेगिस्तान, सीधे अर्थ बदल गया। अगला है वुड, वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी, लेकिन उसमें एस लगा दिए तो इसका मतलब होता है जंगल। अगला है सत्य, अव्यूस, अव्यूस मतलब होता है दुरुपयोग, और उसी में अव्यूस में केवल एस लगा दिए, इसका अर्थ होता है क्रूतियाँ। अगला है गुड़, गुड़ अजब एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है तो इसका अर्थ होता है अच्छा, अजब उसी में एस लगा दिए इसका मतलब होता है समान। अगला वाटर, वाटर मतलब पानी, तो जब एस लगा दिए बटर मतलब में तो समुद्र हो गया, और बर्क मतलब काम, तो जब एस लगा दिए इसमें तो साहित्य लेख हो गया। अगला फ्रूट, फ्रूट मतलब फल जैसे सेब इत्यादि, लेकिन जब एस लगा दिए इसका मतलब होता है नतीजा मेहनत इत्यादि का। अगला बीट, बीट मतलब बागपटुता, और जब एस लगा दिए तो इसका मतलब होता है बुद्धिमत्ता। आगे देखते हैं, कुछ नाउन का सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है परंतु प्लूरल फॉर्म में एक से अधिक अर्थ होता है, जैसे कस्टम मतलब रिवाज, और वही जब कस्टम्स एस लग गया इसमें होता है रिवाज या सीमा शुल्क। अगला मैनर, मैनर मतलब तरीका, और जब उसमें एस लगा दिए माइनस लिखें तो इसका मतलब होता है तरीके या शिष्टाचार। अगला पेन, पेन मतलब दर्द होता है, लेकिन जब एस लगा दिए पेन से हुआ तो इसका मतलब दर्द या अथक प्रयास। अगला क्वार्टर, क्वार्टर मतलब एक चौथाई, लेकिन जब उसमें एस लगा दिए इसका मतलब एक चौथाई या आवाज़। अगला लेटर, लेटर मतलब अक्षर होता है या चिट्ठी, और जब एस लगा दें इसका मतलब होता है अक्षर, चिट्ठी या साइन। आगे नॉन, नॉन के लिए अपोस्ट्रोफी का प्रयोग, जैसे अपोस्ट्रोफी का प्रयोग पोसेसिव केस के निम्न स्थिति में ही करना उचित होता है, जैसे जीव वस्तु के लिए मोहन्स बुक, जैसे कॉस हॉर्न, यहाँ देखिए अपोस्ट्रोफी कहाँ लगे, वुमेन्स पर्स। जब किसी निर्जीव को मानवीकरण यानी पर्सोनिफाई किया गया, जैसे निर्जीव को सजीव मान गया तो सन्स फ्यूरी, तब लगाते हैं नेचर्स लवर। अगला समय, वार एवं जगह संबंधित नॉन के साथ, जैसे एडेस लिव, अगला आर्म्स लेंथ, अगला पॉन्ड्स लेंथ, तो पॉन्ड्स के साथ लगाएं। कुछ सम्मानजनक नॉन के साथ, जैसे कोर्ट्स ऑर्डर, एट ड्यूटी कॉल, और कुछ फेरेज के साथ भी लगाते हैं, जैसे एट वंस बीटेन, एट ए स्टोन थ्रो, और भौगोलिक भौगोलिक पिंड के साथ भी लगाते हैं, जैसे अर्थ एटमोस्फियर। आगे देखते हैं, यदि प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर एस है तो अपोस्ट्रोफिस का प्रयोग करते समय एस नहीं लगाते हैं, केवल अपोस्ट्रोफिस का ही प्रयोग करते हैं, जैसे बॉयज,
तो प्लूरल एस के साथ अपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगाते हैं, केवल अपोस्ट्रोफिक और गर्ल्स स्कूल वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, यहाँ पर एस नहीं था। अगला जब नॉन सिक्सर ध्वनि हिसिंग साउंड से खत्म हो मे भी एस नहीं लगता, जैसे फॉर पीस सेक्स सिक्सर ध्वनि है, फॉर कंसेकेंस सेक तो अपोस्ट्रोफी लगा, फॉर गुडनेस सेक, फॉर जेसस सेक, गणेश बुक गॉड्स गॉड सेक। अगला पोसेसिव प्रोनाउन हिज हर योर्स आवर देयर के साथ अपोस्ट्रोफिस नहीं लगता, जैसे योर फेथफुल्ली योर ट्रूली योर अपोस्ट्रोफ योर पोसेसिव प्रोनाउन। नेम टाइटल के साथ अपोस्ट्रोफी अंतिम शब्द के साथ लगते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ्स अपोस्ट्रोफिस, माय सन इन लॉ अपोस्ट्रोफिस एक्स। निर्जीव वस्तु के साथ एस का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे टेबल्स अपोस्ट्रोफिस नहीं लेग्स ऑफ टेबल का प्रयोग करें। अगला डबल अपोस्ट्रोफिस का प्रयोग ना करें, जैसे माय वाइफ अपोस्ट्रोफिस सेक्रेटरी मदर्स बस एक्सपायर्ड नहीं है, इसकी जगह में लिखना मतलब मदर ऑफ माय वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, मतलब कि एक अपोस्ट्रोफिस का प्रयोग करें। अगला मिस्टर शर्मा द सोसाइटी चेयरमैन प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाई द मेम्बर ऑफ द सोसाइटी, तो दो अपोस्ट्रोफिस यहाँ पर हो गया, सोसाइटी चेयरमैन गलत है, तो यहाँ हो जाएगा द प्रपोजल ऑफ मिस्टर शर्मा द चेयरपर्सन ऑफ सोसाइटी वॉज रिजेक्टेड बाई द मेम्बर ऑफ द सोसाइटी, ये सही होगा। आगे साथियों आगे एनी बडी नो बडी एवरी बडी सम बडी एनी वन सम वन नो वन एवरी बडी के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता, एवरी वंस कंसर्न इन वंस कंसर्न एवरी वन के साथ नहीं लगाते हैं, एवरी बडी के साथ भी नहीं लगाते हैं। यदि इनके बाद एल्स का प्रयोग हो तो अपोस्ट्रोफिस को एल्स के साथ लगाते हैं, एल्स के साथ लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का हमारा नॉन का सेशन, लगभग कुछ पूरा ख़त्म हो गया, अगला क्लास में हम नॉन का पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स